नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मठ गांव में रात आधी पानी आने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, गेहूं की फसलें सड़ने लगी हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस महामारी का कहर और आधी पानी आने की वजह से किसानों की फसलों का बर्बाद होना कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि किसान अपना जीवन यापन कैसे करेगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे रिपोर्टर विकास रावत की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें कि ये राजधानी लखनऊ का मोहनलालगंज क्षेत्र है। मोहनलालगंज क्षेत्र का मठ गांव है जो कि निगोहा थाना क्षेत्र में लगता है। यहाँ पर इतना बारिश हुई कि लोगों की, किसानों की यहाँ के फसलें बर्बाद हो गई हैं, गेहूँ सड़ने की कगार पे है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरी फसल रात में देर आंधी पानी साथ में आया, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी फसलें बर्बाद हो रही हैं। जी हाँ, राजधानी लखनऊ से मठ गांव। तो लगभग इसमें कितनी फसल मतलब बर्बाद हो गई है? सरकार से क्या लगता है कि मतलब क्या होगा, इसमें सरकार की तरफ से क्या सहायता की जाएगी? रुको एक मिनट, अब चलो। आपका नाम क्या है? गुड्डू चौरसिया। तो ये मतलब इसमें जो रात में आंधी पानी आया, इसमें मतलब कितना फसल नुकसान हो गई है? अरे इसमें 8-9 क्विंटल निकलते गेहूँ। अच्छा, 8-9 क्विंटल गेहूँ निकलता। तो सरकार से क्या आशा करते हैं कि मतलब क्या कुछ सरकार से सहायता हो पाएगी? अरे हो जाए तो ज़्यादा ठीक भैया, 4-10 हज़ार मिल ही जाए तो। अभी मैं सब सड़ जाई गूँ। तो मतलब पूरा गेहूँ की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो इसमें कुछ नहीं निकलेगा ना? ना कुछ ना निकली। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।